हाय फ्रेंड्स, फुटबॉल एनालिस्ट में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द फुटबॉल एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आई एम गोना प्रेजेंट यू टॉटनहम वर्सेस वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन। नाउ दिस इज़ अ मैच इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग बिटवीन अ टीम दैट इज एस्पायरिंग फॉर चैंपियंस लीग प्लेस एंड अ टीम विच इज़ फाइटिंग रेलिगेशन, ट्राइंग टू कम आउट ऑफ रेलिगेशन। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज के मैच में कौन सी पॉइंट्स है जो हमें अच्छी टीम बनाने हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले ये जानना है दोस्तों कि ये मैच कहाँ पर खेला जा रहा है। ये मैच खेला जा रहा है टॉटनहम हॉटस्पर के होम ग्राउंड पे, टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम में। तो विच इज़ अ होम ग्राउंड फॉर टॉटनहम नाउ, बट ड्यू टू द कोविड पैंडमिक विच इज़ गोइंग ऑन, देर इजंट एनी एडवांटेज फॉर द होम टीम्स। बट व्हाट हैपेंस इज एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है। So it has a psychological effect that boss, we are playing at home, we are supposed to be a dominant team. So this could play a psychological effect on Tottenham and help them win, because their form at the moment is not good. So let's see in detail. Ab Tottenham 9th position par hai, jo ki unko upar jana hai abhi Champions League ya Champions League to unka target hai, lekin agar Champions League nahi pahunchte hain to Europa League to kam se kam wo pahunch hi jaye, ye unka विनिंग मोटिव होना चाहिए आज के लिए, तो क्योंकि ये गेम बहुत ज़रूरी है उनको विन करने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों, टॉटनहम जो कि है 9th पोजीशन पर है, दे हैव प्लेड 21 गेम्स, दे हैव वन 9, दे हैव ड्रॉन 6 एंड दे हैव लॉस्ट 6, दे हैव स्कोर्ड 34 गोल्स एंड दे हैव कंसीडेड 22 गोल्स, यानी कि 34 गोल्स कर चुके हैं और 22 गोल्स ये कंसीड कर चुकी है। 21 गेम्स में 34 स्कोर करना और 22 गोल्स कंसीड करना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि आप हर एक गेम आप एवरेज रख रहे हो कि हर एक गेम में एक गोल कंसीड करें करके। 33 पॉइंट्स ये विन कर चुकी है, जो कि इन्होंने 63 पॉइंट्स टोटल जो अब तक का स्कोर होना चाहिए था हर एक गेम विन करे तो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट वो एक 40 के आसपास होना चाहिए था इनकी स्कोरिंग 21 गेम्स में, एटलीस्ट 40-45 के बीच में अगर टॉप परफॉर्मिंग रहना इनको चाहिए था तो, पर ये अब 33 कर चुके हैं। तो इनकी फॉर्म काफ़ी गिर चुकी है। ये एक समय पर टॉप पोजीशन पे थी, अब नीचे की तरफ जा रही है ये टीम। अब उसी के साथ वेस्ट ब्रॉमविच देखेंगे दोस्तों, तो वेस्ट ब्रॉमविच इज़ एट 19th पोजीशन, 22 गेम्स खेल चुकी है, दे वन ओनली 2 गेम्स, दे ड्रॉन 6, दे लॉस्ट 14, दे लॉस्ट 14 गेम्स, ये 18 गोल्स स्कोर कर चुके हैं, लेकिन ये जो 52 गोल्स देख रहे हैं दोस्तों, 52 गोल्स, ये 52 गोल्स खा चुकी है। सो 22 गेम्स में अगर 52 गोल्स खा चुकी है ये टीम, तो इनका एवरेज राउंड अबाउट 2 गोल्स पर गेम होता है कंसीड करने का, और इनका अगर देखते हैं तो सिर्फ 12 पॉइंट्स कमा चुकी है ये टीम 22 गेम्स में से, विच इज़ नॉट अ गुड रिकॉर्ड फॉर देम। नाउ दिस कुड बी अनदर पॉइंट विच प्लेज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन टॉटनहम एंड गिव्स देम अ विनिंग प्रोबेबिलिटी। नाउ टॉटनहम, लेट्स सी टॉटनहम्स होम रिकॉर्ड गाइस, टॉटनहम का होम फॉर्म क्या कहता है। अब टॉटनहम का अगर आप होम फॉर्म देखते हैं तो दोस्तों 11 गेम्स खेल चुके हैं, जिसमें से 4 विन कर चुकी है टीम, 3 ड्रॉ कर चुकी है, 4 लॉसेज हैं इनके, 15 गोल्स स्कोर कर चुके हैं, 13 गोल्स कंसीड कर चुके हैं, और सिर्फ 15 पॉइंट्स ही ले चुकी है ये टीम। 11 गेम्स एंड 15 पॉइंट्स इज़ अ वेरी वेरी पुअर रिकॉर्ड एट योर होम ग्राउंड। यू शुड बी विनिंग ऑलमोस्ट एवरी गेम एट योर होम। Now this shows you are open to conceding a goal also, which could give West Bromwich a little bit of hope. So West Bromwich ek goal score karne ki aasha rakh sakti hai wo team Tottenham ka home record dekh ke. Ab iske samne West Bromwich ka away record kya kehta hai, 11 games khel chuki hai, sirf ek hi game jeet chuki hai ye team, 3 draw कर चुकी है, 7 losses हैं इनके, 11 गोल स्कोर कर चुके हैं, तो वन गोल पर गेम कर रही है एवरेज इस टीम की, लेकिन 21 गोल्स खा चुकी है ये टीम और 6 पॉइंट्स कमा चुकी है। सो 15 के सामने सिर्फ 6 दोस्तों, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड नहीं है वेस्ट ब्रॉम के लिए, और गोल्स भी लगभग वो 2 गोल्स पर गेम का एवरेज रख रही है ये टीम। अब टॉटनहम का फॉर्म देखते हैं दोस्तों, तो पिछले 5 गेमों में से लगातार 3 लॉसेस कर चुकी है, 1 ड्रॉ कर चुकी है, 1 विन कर चुकी है। वेस्ट ब्रॉमविच पिछले 5 गेमों में
एक ही गेम जीत चुकी है, एक ड्रॉ कर चुकी है, तीन लॉसेस हैं उनके, तो राउंड अबाउट दोनों के फॉर्म सेम है दोस्तों। लेकिन टॉटनहैम एक आशा रख सकती है अपने होम ग्राउंड पे खेलते हुए कि भाई हम ये गेम जीत सके, क्योंकि हमें चैंपियंस लीग या यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई होना है। अब लास्ट होम गेम देखते हैं दोस्तों, टॉटनहैम का चेल्सिया के सामने जो था वो हार चुकी है 1-0 के स्कोर लाइन से। तो यानी कि उनके अटेम्प्ट्स भी नहीं थे उतने कि वो एक गोल स्कोर करे। और वेस्ट ब्रॉमविच का जो लास्ट गेम था शेफील्ड यूनाइटेड के सामने, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रह चुका है, क्योंकि शेफील्ड यूनाइटेड एक बॉटम टीम है, 20th पोजीशन पे। शेफील्ड यूनाइटेड ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया, मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने होम ग्राउंड पे हराया उन्होंने, और वेस्ट ब्रॉमविच को खुद के होम ग्राउंड पे हराया। तो यहाँ की दिखता है कि भाई शेफील्ड यूनाइटेड काफ़ी इंप्रूवमेंट कर रही है, लेकिन वेस्ट ब्रॉमविच उसके सामने थोड़ी फीकी पड़ रही है, वो शायद ही थोड़े नीचे भी गिर सकते हैं। उनके लिए भी ये गेम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों, एक बॉटम टीम, बॉटम लाइन टीम, बॉटम पोजीशन टीम को क्या है हारने के लिए? कुछ भी नहीं है गंवाना उनको। तो ये टीम काफ़ी डेंजरस भी हो सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो टॉटनहैम को थोड़ा संभाल के खेलना होगा इस मैच में। अब देखते हैं हमारे लिए टॉटनहैम के कौन से प्लेयर्स जो है वो पॉइंट्स ला सकते हैं। अब टॉटनहैम के टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स दोस्तों, ह्यून मिंग सोंग जो इसका 12 गोल्स एंड 6 असिस्ट, अब हैरी केन तो बाहर है, 12 गोल्स और 11 असिस्ट कर चुके, उनकी एक केमिस्ट्री डेवलप हो चुकी थी सोन के साथ। ही हैड अ वेरी गुड पार्टनरशिप बीइंग डेवलप विद सोन। नाउ ही कुड जस्ट, इवन इफ यू से क्लोज हिज आई एंड फ्लिक हिज लेग, द बॉल वुड रीच ह्यून मिंग सोंग। सो दैट्स द केमिस्ट्री दैट दे हैव डेवलप्ड। नाउ इन एब्सेंस ऑफ हैरी केन, हाउ डज टॉटनहैम perform in this game is a very vital component for their win and moving up the table. Now Ndombele will be playing a central attacking role. He scored 3 goals and 1 assist. Aurier is on the wings, 2 goals and 1 assist. Hojbjerg is a central defender with 1 goal and 2 assists. Reguilon has 3 assists to his name. He's not playing this game. Bergwijn has 2 assists to his game. Lo Celso is with 1 goal, 1 assist. Alderweireld, the central defender, उन्होंने भी एक गोल कर चुके हैं। लूकस मोरा भी एक गोल कर चुके हैं। गैरेथ बेल भी एक गोल कर चुके हैं। बेन डेविस और डोहर्टी का एक एक असिस्ट है। डोहर्टी का फॉर्म गाइस दोस्तों, डोहर्टी का बहुत ही ख़राब चल रहा है, क्योंकि वो पिछले साल वुल्स के लिए जिस तरह का फॉर्म दिखाया था, जिसके वजह से टॉटनहैम ने उनको खरीद लिया था, वो कुछ भी नहीं है इस साल उनका। तो इसी के साथ हम टॉटनहैम के प्रोबेबल प्लेयर्स देखते हैं दोस्तों। ह्यूगो लॉरेंस जो है वो गोल में रहेंगे, जो कि आज के कप्तान भी हो सकते हैं। राइट विंग बैक पे ओरिया खेलेंगे। सेंट्रल डिफेंसिव पार्टनरशिप रोडॉन और अल्डेवियरल के बीच में हो सकती है, यहाँ की सैंचेस आ सकते हैं रोडॉन के जगह पे। डायर या तो डेविस, दोनों में से कोई भी एक खेलेंगे, लेकिन डायर का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनता है। सेंट्रल मिडफील्ड में हॉयबर्ग और सिसोको खेलेंगे, या तो हॉयबर्ग और विंग्स खेल सकते हैं। लुकस मोरा और बर्चविन के बीच में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है, या गैरेथ बेल भी आ सकते हैं। सोन की तो जगह फिक्स्ड है, एंडोम्बले की जगह भी फिक्स्ड है। अब अगर विनिशियस खेलते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा उनके लिए भी अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, ताकि वो हैरी केन के एब्सेंस में ज़्यादा गेम्स खेल सके। अब देखना यह है कि बेल, मोरा और बर्चविन में से कौन खेलता है, एंड व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी जोस मोरिनो अप्लाइज टू दिस गेम, वेदर ही इज़ गोना गो विद एन अटैकिंग लाइनअप और विद अ डिफेंसिव लाइनअप और विद अ काउंटर अटैकिंग टीम। इट रिमेन्स टू सी, बिकॉज यू विल हैव टू सी द फॉर्मेशन गाइस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ देर आर इंटरेस्टिंग विंग बैक्स हु आर गोइंग टू प्ले, लाइक हु विल काउंटर अटैक इन द फॉर्म ऑफ मोरा, लुकस मोरा और बर्चविन, एंड सॉन्ग प्लेइंग अप फ्रंट और गैरेथ, इवन इट कम्स टू गैरेथ बेल who's with a decent speed, so that would also be a very very added advantage to them. Okay. So with this guys, let's see, we move on to West
वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन. नाउ बिफोर दैट वी गो फॉर द इंजरीज, केन इंजर्ड है, रेगुलॉन इंजर्ड है, लो सेल्सो इंजर्ड है, डेली अली भी इंजर्ड है. वेस्ट ब्रॉम के टॉप प्लेयर्स देखते हैं दोस्तों, परेरा विथ 5 goals and 3 assists, डिफेंडर उनके अचाई जो 2 goals हैं, गैलेगर 2 goals, रॉबिन्सन 2 goals, बार्टली 2 goals 1 assist. तो ये अजाई और बार्टली की जो पार्टनरशिप है बहुत बहुत ही दिलचस्प है ये पार्टनरशिप, क्योंकि ये दोनों डिफेंडर है जो कि गोल स्कोर कर सकते हैं या असिस्ट भी कर सकते हैं. इनके हेडर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी हेडर्स लेते हैं ये कॉर्नर्स पे या फ्री किक्स पे. रॉबिन्सन ने 2 goal कर चुके हैं, फर्लॉन्ग 1 goal 2 assist, डियांगाना 1 goal है जो कि आज के मैच के लिए डाउटफुल है. ग्रांट 1 goal कर चुके हैं, फिलिप्स 1 goal 1 assist, ब्रॉसस्की 1 assist, डायग ने 1 assist. तो इनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है देखते हैं दोस्तों. गोल में इनके सैम जॉनसन रहेंगे जो कि काफ़ी अच्छी तरह से रोल निभा रहे हैं. टॉमसन खेल सकते हैं राइट विंग बैक पे या फॉरलॉन्ग भी खेल सकते हैं. गिब्स या टाउनसन दोनों में से कोई भी एक खेल लेगा. ओशे, बाटले या अजाई इनमें से भी कोई भी एक दो जन खेल सकते हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप रहेगा ये देखने के लिए कि इनके कोच कैसे सैम एलर्डाइस कैसे इनकी फॉर्मेशन अरेंज करते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के सामने और लिवरपूल के सामने चूँकि 2 top teams थे, लिवरपूल को तो इन्होंने हरा दिया था और अब मैनचेस्टर सिटी के सामने भी इन्होंने गेम ड्रॉ किया था. तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट हाउ ही कीप्स द फॉर्मेशन विद सेंट्रल डिफेंडर्स डू ही गो विद. ऑन द विंग फ्रंट वी विल हैव प्रोबेबली फिलिप्स और गैलेगर इवन एंड नेथन नाइल्स हू कम फ्रॉम आर्सेनल. जेक लिवरमो और स्नॉडग्रास और सॉयर्स टू बी इन द सेंट्रल मिडफील्ड, वाइल परेरा विल गो अप फ्रंट इन द सेंट्रल अटैकिंग रोल एंड डायग्ने विल बी द लोन स्ट्राइकर. तो डायग्ने अकेले खेलेंगे आगे और उनके पीछे जो है परेरा खेलेंगे अटैकिंग रोल में. तो ये थी वेस्ट ब्रॉमविच की प्रॉबेबल फॉर्मेशन जो हो सकती है, लेकिन मैं तो कोच नहीं हूँ दोस्तों, कोच सैम एलर्डाइस है, वो डिसाइड करेंगे फाइनल फॉर्मेशन क्या है और कौन से प्लेयर खेलेंगे. तो अब देखते हैं दोस्तों, डियांगाना डाउटफुल है, इसके अलावा इनके पास इंजरीज और कोई नहीं है. अब दोस्तों ये एक एनालाइज प्रेडिक्शन है कि टॉटनहम विन और ड्रॉ है, पर एक आउटसाइड चांस रख लो अगर आप ग्रैंड लीग बना रहे हो तो वेस्ट ब्रॉम के फेवर में भी एक टीम बना लो. मैंने जो स्टैट्स प्रेजेंट किए हैं ये प्लेयर्स के पिछले परफॉर्मेंस के ऊपर है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वही पॉइंट्स आज के गेम में भी स्कोर करें. तो टीम्स को कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा दोस्तों, थोड़े बहुत चेंजेस भी आप कर लो स्टैट्स के हिसाब से, प्लेयर परफॉर्मेंस प्लेयर फॉर्म के हिसाब से, तो आप भी कुछ अच्छा विन कर सकते हो. क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं जो टीम बनाता हूँ वो मेरे सोच के हिसाब से बनाता हूँ, मेरे एक अटैकिंग लाइनअप से, कि जो गोल्स ज़्यादा स्कोर करें मैं उन प्लेयर्स को लूँ. लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हर एक प्लेयर ने जिसने गोल स्कोर किया है पिछले 4-5 मैचों में, ज़रूरी नहीं है कि वही खेले. एक आप एक प्लेयर ले लो जो कम सिलेक्ट किया हुआ है, जिसने एक गोल स्कोर किया है या एक असिस्ट किया है, ज़्यादा करके जिसने गोल स्कोर किया है आप उसको लो, और एक ऐसा एक डिफेंडर लो या मिडफील्डर लो जो आपको ज़्यादा पॉइंट दे सके. तो ये मेरा चैनल है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल है. आप अगर टेलीग्राम में मुझे इंडिविजुअली पर्सनली कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो आप @ सैंडबॉक्स प्लेयर भी सर्च कर सकते हो. मैं टेलीग्राम में हूँ, आई एम ऑन टेलीग्राम फ्रेंड्स. आई एम 24/7. इफ़ यू हैव एनी इश्यूज, इफ़ यू हैव एनी फीडबैक टू गिव मी, इफ़ देर इज़ एनी इम्प्रूवमेंट दैट आई नीड टू डू, आई एम ओपन टू ऑल एनी फीडबैक गाइज. So I am not the one who will say यार ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो मैं आगे नहीं बनूंगा. नहीं, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ. इफ़ यू डू एनी थिंग टू गिव अ फीडबैक, आई एम ओपन टू ऑल दिस. माई चैनल इज़ द फुटबॉल एनालिस्ट एंड दैट्स माई यूट्यूब चैनल. सो गाइज, दिस इज़ माई टीम. वी गो विद सैम जॉनसन इन गोल, अजाई एंड बार्टली इन डिफेंस, सर्च ऑरियर, एरिक डायर,
या डेविस जो भी खेले, एक विंग बैक को तो मैं लूँगा, और हमारे सेंट्रल डिफेंडर एल्डिवेरल जो कि एक गोल स्कोर करने का चांस रखते हैं कॉर्नर पे या फ्री किक पे, आई विल गो विथ हिम। अब मिडफील्ड में गाइस देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन हु इज़ गोना प्ले। तो द मेन प्लेयर्स आई एम गोइंग विथ परेरा एंड डोमले एंड हॉयबर्ग, डियाग्ने एंड सोन द फॉरवर्ड्स, ओनली बिकॉज डियाग्ने हैज अ चांस पे ही कैन स्कोर, परेरा हैज अ चांस दैट ही कैन स्कोर, बार्टले अजय हैव अ चांस दैट दे कैन स्कोर, सोन हैज एन एब्सोल्यूट चांस दैट ही कैन स्कोर बिकॉज एट द मोमेंट इन प्लेस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ हैरी केन ही इज द वन हु कैन गाइड द टीम टू विक्ट्री, सो ही इज माई कैप्टन। हॉयबर्ग इज माई वाइस कैप्टन बिकॉज ही विल बी द वन हु विल बी शोल्डरिंग द मिडफील्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टॉटनहैम। वेल यू कुड गो विद एंडोम्बले हु कुड पॉप इन अ गोल और एन असिस्ट, लुकस मोरा इज अनदर ऑप्शन, बर्चवन इज अनदर ऑप्शन, इफ गैरेथ बेल प्लेज गैरेथ बेल इज अनदर ऑप्शन, आई वुड लव टू सी गैरेथ बेल प्ले एंड स्कोर अ गोल टुडे, इट विल गिव हिम अ मच नीडेड कॉन्फिडेंस, बट इट रिमेन्स टू सी इफ जोस मोरिनियो गोज विद दैट। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, वील मीट बैक बिफोर द गेम स्टार्ट्स, एज सून एज द लाइन अप्स आर आउट, आई विल बी पोस्टिंग माई टीम इन माई यूट्यूब इन माई टेलीग्राम चैनल। So that's all from my side guys, have a nice time and see you later.